का मिस इंडिया एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉन्टेस्ट है और हम इसको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं. हिस्ट्री बिहाइंड इट इज अमेजिंग. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे. आज मैं जज, आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम आई एम जजिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज हैं एंड ऑफकोर्स जो गर्ल्स हैं आई हैव हर्ड आर यू नो दिस अ वेरी गुड लॉट ऑफ पीपल एंड इट विल बी वेरी टफ टू जज देम. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. You know, for me, I think confidence is probably the most beautiful thing. Na overconfidence ho, na under ho, but I think it's the right kind of comfort that you have with yourself. I think that is very important. And honesty, a certain amount of genuineness should be there. And an attitude. I've been associated with Times of India for the last 20 years. Probably even more. God, it's been many years, yeah. And Miss India has been a fantastic contest and they've produced some phenomenal winners for the country. Let's hope we find a winner again. What am I looking for? Very difficult. Whenever you're judging, you ask this question, what are you going to be looking for? There are a lot of beautiful people, but it's that X factor that I always look for. It's something that is that cannot be described, but when you look at it, it touches you, and it's something just a little bit more than just a beautiful face. That's what I would look for. I think maybe इसीलिए ये titles बहुत special होते हैं क्योंकि इतने easy. I should say it here, right? Sorry, I'll just say it here. I think इतने सालों में मिस इंडिया मिस यूनिवर्स हमारे यहाँ आए नहीं हैं टाइटल्स, लेकिन इसीलिए ये टाइटल्स इतने स्पेशल होते हैं क्योंकि ये ईजी नहीं होते हैं मिलना. लेट्स होप दैट इस साल हमारे पास कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो इन टाइटल्स को वापस हमारे देश में लेके आए. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई हैव डन दिस बिफोर एंड अ लॉट हैज चेंज, सो आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आई विश ऑल द कंटेस्टेंट गुड लक because I know how important it is for them and they must be really nervous and they've put in their best. So I wish them all the best and good luck. I'm really happy that the Femina people have called me over here and acha lag raha hai yahan pe aake aur I'm going to walk with them, so it's a great feeling here. It's a great feeling. I'm wearing Monisha Jaisingh. Everybody's wearing Monisha Jaisingh. I feel very very proud. और बहुत ऐसे women खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय level पे बहुत कुछ achieve कर रही हैं. तो I really wish them all the very best and I feel very proud as an Indian. Well, we've just started our own channel, Best Deal TV. So I'm very, very excited. Just yesterday, so I've always been in front of the cameras. I didn't think that I'd be behind the cameras someday. So just need all your best wishes. Wish me luck. यहाँ पर 4 साल हो गए हैं और आई थिंक ईच टाइम मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज रियली ट्राइंग टू प्रमोट मिस इंडिया इन द राइट एंड द वेल वे एंड काफ़ी सारी लड़कियों ने फिल्म साइन की हैं, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बन रही हैं. सो बहुत ही खुशी की बात है एंड आई एम रियली आज आई वुड लाइक टू मेंशन कि इस बार का बैच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ 5-6 ऐसी लड़कियाँ हैं हु ऑल डिजर्व टू बी द विनर. तो अगर हम उनमें से एक एक करके अगले सालों के लिए भी डाल देते वो सारी जीत जाती. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैच है. देखिए मैं तो आपने पूछा कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड. यू नो दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट इज ऑलवेज देयर ऑलवेज बी अ गर्ल व्हिच विल हु विल स्प्रिंग अ सरप्राइज. सो दिस इज ऑलवेज द अनएक्सपेक्टेड एंड यू नेवर नो हु इज गोइंग टू स्प्रिंग द सरप्राइज एंड बिकम मिस इंडिया. एंड व्हेन आई सी देम आई जब मैं देखता हूँ इन लड़कियों को तो मुझे ताज्जुब होता है जिस तरह उन लोग यू नो जिस तरह की मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं. और मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं
मैं उन सबको मेरे ख्याल से कि यहाँ तक पहुँचे दैट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हुआ देर अबाउट 21 ऑफ देम एंड एंड ऑफ कोर्स देर हैज़ टू बी ओनली वन हु विल बी द नंबर वन एंड देयर विल बी द रनर अप एंड देर आर थ्री राइट थ्री विनर्स राइट या थ्री विनर्स या बट रेस्ट एवरीबडी आई थिंक वो जो मुझे मैंने जो भी लड़कियों को मैंने देखा मतलब कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं वो एवरी गर्ल हैज समथिंग स्पेशल.